अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइज़, हमारी मॉर्निंग हो गई है और हम लोग ना आज जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है भाई, आपके भाई ने 29 तारीख की टिकट निकाला था, तो बस आज रवानी के दिन है, तो वही हम लोग उठ गए हैं। पैकिंग वगैरह सब कुछ तो हम लोग रात में ही कर लिए थे, इसी वजह से रात में किए थे ताकि सुबह में उठ के मतलब ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा ना, तो इसी वजह से हम लोग को धड़पड़ी ना करना पड़े। यहाँ पर देखिए, मेरे बच्चे लोग अभी सो रहे हैं, ये लोग अभी उठाने गए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो? उम्मीद आप सब कैसे हैं। तो आज को लग शुरू करते हैं, आप लोगों का वेलकम है साल लेसन शेख के ब्लॉग में। माशाल्लाह। तो हम उठ गए हूँ सो के। हाँ। तो हम लोग जाएंगे अब नाश्ता करने के लिए। हाँ, आप लोग भी आना नाश्ता करने। चलो पक्का सॉले होगा ना गाइस, किसी दिन ना ढाबा लेके जाऊँगा, ठीक है? वैसे तो मेरे को भी मालूम नहीं है ढाबा कहाँ पर है, तो कैसे जाते क्या नहीं, वो क्या बोलते अपना अलग से उसके लिए क्या करना पड़ता है शबनम ढाबा जाने के लिए? हाँ, पर्सनल गाड़ी करनी पड़ती है कि ट्रेन वेन से जाना पड़ता? नहीं, कहीं भी जैसे मुंबई में रहे, कभी ढाबा जाने का दिल किया अपने यहाँ तो ट्रेन का ऑप्शन है। ऑप्शन है ना, पे तो डायरेक्ट। तो ऐसे अकेले नहीं, कोई साथ में रहेगा ना जिसको ज़्यादा नॉलेज है, उसके साथ में जाएंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं, थोड़ा बाद में अभी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, शबनम बना रही है चाय और यहाँ बाजू में हमारा अंडा भी उबल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में ऑप्शन में यही था, तो इसी वजह से रात में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही लेके जाएंगे। और मेरा महत पापा यहाँ पर सो रहा है। कल रात में पता है गाइस क्या हुआ, महत को ना ऐसा जैसे फातिमा को लपेट के सोता हूँ ना बाजू में, मैं वैसे मैं सो गया था। इस वजह से वो बंदा सोया क्योंकि उसको मैंने फ़ोन दिया था, वीडियो देखते 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 समझ लो 10 से 15 मिनट एकदम मस्त मेरे बाजू में सोया जा। वैसे ना वो किसी के पास जल्दी जाता नहीं है, लेकिन मेरे पास आ गया था। मैं सुबह होने वाली इन लोग की चिल्लाना हो गया इसका। ओ आँख खोले बेटा, नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा, आप नहीं खोलेगा। और फातिमा देखो यहाँ पर, फातिमा का दूध कहाँ है, गरम किया ना? हाँ, ये देखो फातिमा का दूध हम लोग ने पहले गरम करके रख लिया, वरना ये बंदी ना सबर नाम की चीज़ होती है ना, वो नहीं है इसके अंदर। तो गाइस, हम लोग ना नाश्ता करने बैठे ही थे, लेकिन शबनम के घर की ना एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, ये देख जो तूने घड़ी लगा। इतना बोलते थे इसको कि बहन तेरे घर में घड़ी नहीं है, घड़ी लगा। तो फाइनली शबनम के घर में घड़ी लग गई है, तो आराम से अब टाइम दे सकते हैं। अबे तो पहले से मेरे घर में घड़ी है, थी शादी के बंद हो गई थी। नहीं, बहुत अच्छा है कि टाइमिंग इंसान आराम से देख सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि शबनम घड़ी नहीं लगाती है, मतलब उसे घर में घड़ी थी लेकिन कैसा बंद थी, एक नंबर की आलसी है ना, तो इसे इसको ना घड़ी चालू करना बहुत जानते आ रहा। बोले बोले फ़ोन है तो घड़ी में कौन टाइम देखता है आजकल। ये बात भी सही है कि जब फ़ोन है तो घड़ी वड़ी कोई टेंशन ही नहीं है। एक घर में घड़ी और कैलेंडर का ना थोड़ा सा सिस्टम ना वो हो गया है फ़ोन की वजह से, है ना। चलो, मेरे घर का भी कैलेंडर अभी तक ना 2023 का पड़ा हुआ है, 2024 का लाया ही नहीं है। तो हम बैठे हैं यहाँ पे नाश्ता करने, नाश्ता कर लिए और सोचे कि बच्चे लोग को ना उठाते हैं, तैयार वगैरह करते हैं, लेकिन इसको देखो हम लोगों ने उठाए तो उसको कितना बुरा लग गया है, जो कैसा रो रहा है एकदम। हाँ बेटा, अच्छा रोएंगे तो चलने का नहीं है घर। हाँ तो भाई, हम लोग ने फातिमा को उठा दिए और उसको उठते साथ में बोला 8 नंबर चलेंगे, तो बंदी ने रट्टा मार के रख दिया 8 नंबर चलेंगे। हाँ बस बस चलेंगे, 8 नंबर चलेंगे, ठीक। हाँ 8 नंबर चलेंगे, आराम भी 8 नंबर चलेगा, तुम भी चलना। और हमारे मुसद्दिक भाई भी उठ गए, वालेकुम अस्सलाम। और क्या बोलते भाई, माशाल्लाह, 8:10 होने वाले हैं बस गाइस। अस्सलाम वालेकुम, जाओ पापा के पास जाओ। अरे बेटा मैं बैग लिया हूँ, मैं कैसे लूंगा, 8 नंबर जाने का। अच्छा चल, आ जाओ नंबर, बस अभी रट्टा मार लिया इसने, 8 नंबर 8 नंबर बाय। चलो ठीक है, 8 नंबर चलते हैं। चलो भाई अपना ध्यान रखो, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चल अल्लाह हाफिज, ध्यान रख अपना। हाँ इंशाल्लाह जरूर आएंगे।
चलो फिर निकलते हैं। तो 8 नंबर बोल रही है, चुप बैठ, ज्यादा बोलना नहीं। तो भाई ये तो एकदम मकड़ी है, स्पाइडरमैन कहीं भी चढ़े जावा तो। अरे भाई बहुत खतरनाक बच्चा है माशाल्लाह। अभी चलने लगेगा तो देखना कितना संभालना पड़ेगा उसको, पता है वाट लग जाएगी। चलो अल्लाह पा दे दो बुआ को पा दे दो। अरे वाह माशाल्लाह, चलो निकलते हैं। चलो 8 नंबर जाने का फातिमा, 8 नंबर जाने का है। क्या बोली? यहाँ पर मॉर्निंग व्यू देखिए, कोई है नहीं, सन्नाटा एकदम। हाँ क्यों, ऐसा ठंडी की टाइम? हाँ अभी थोड़ा मौसम ठंडा है, कल बारिश थी ना। हाँ इसीलिए चले जाते बच्चे को लेके। हम अभी पहुंच चुके हैं के पेट्रोल पंप। तो देखिए सामने हमारे रिक्शे वाले भैया भी मिल गए हैं, अभी इनसे पूछते हैं कि भाई चलेंगे कि नहीं। औरंगाबाद स्टेशन स्टेशन जाने का कितने? 150 अपनों से भी। अब क्या है, चलो चलो बैठो। हाँ। चले कोई बात नहीं। चलो फातिमा चलो भाई, गोदी में रखना है इसको। मैं तो हमारे सब्सक्राइबर लोग ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे कि बोले भाई फातिमा को किनारे पे बैठा के रखें, है ना, इसलिए बीच में रखो उसको। अभी पीछे डाल दूँ बैठने जगह? अल्लाह। चलो पीछे बहुत अच्छा साइड है इंशाल्लाह भाई। चलो अरे आप तो आओ। नहीं आने का आपको आराम को, रुको रुको। ये कहाँ जाने का फातिमा? फातिमा कहाँ जा रहे? 8 नंबर जा रहे। अल्लाह हाफिज, सलाम कर दो। चलो सलाम कर दो, अल्लाह हाफिज भाई। चलो चलो हाँ इंशाल्लाह। तो हम लोग रिक्शा में बैठ गए हैं और अभी जा रहे हैं यहाँ से औरंगाबाद स्टेशन। चलो मुसलिफ भाई भी आए थे हम लोग को छोड़ने के लिए, अभी चले गए हैं। ठीक है ना गाइस, अभी अच्छा है ना। वो हम लोग ने ना, मतलब मेरे पास बैग था ना और अपना सॉल है, इस वजह से हम लोग ने फातिमा को किनारे पे बिठा दिए थे। लेकिन कैसा वहाँ पर ना, वो क्या बोलते अपना सेफ्टी के लिए था, तो इस वजह से टेंशन नहीं था। लेकिन फिर भी आप लोग इतना फिक्र करते हैं, तो आप लोगों ने माशाल्लाह कंट्रोल करके बोले कि फातिमा को किनारे पे नहीं बिठाया करें। तो अभी देखो फातिमा मम्मा के गोदी में बैठी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 15 मिनट में औरंगाबाद स्टेशन। तो देखिए यहाँ का कुछ सुबह का नज़ारा ऐसा। और सालिहा जी हमारे आ रहे हैं, एक नंबर। हाँ चलो, कैसा लग रहा है अभी तुम्हारे को घूम के? अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है भाई, हमारी ट्रेन ना जो जनशताब्दी है ना, वो जालना से निकल गई है, 8:30 बजे निकल जाती है वो। अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 8:44, हम लोग की ट्रेन आएगी 9:15 में, 9:15 या 20 में आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर देखिएगा एक बैठने की जगह नहीं थे ना, तो सालिहा यहाँ नीचे बैठ गए हैं अरहान को लेके। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बच्चे लोग को बिस्किट दो ना, खाते रहेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं और आगे नहीं गया। हम लोग ना D5 पे खड़े हैं, एक मुझे अभी जहाँ से मैं आया था ना रिवर्स, मुझे वहीं जाने का था। D5 ये है, D6 उसके आगे है। चलो D6 लग गया अपने को वहाँ, अच्छा अपन और आगे नहीं चले, मैं तो वाट लग जाती हूँ। हाँ उधर साइड साइड या इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन क्या सर, आ जाओ रुको रुको रुको, पहले उतरने दो सबको। हाँ तो आ गई है, 38 है, कहाँ है 78 आगे है 78। हाँ देखो सामने दिख रही है, चलो उधर बैठो। 78 है, बाकी अपने को अलग अलग दे दिया, एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर उधर 78 है। तो मेरे सामने वाली ना एक ही सीट थी, तो अंकल ने बोले ये तीनों सीट मेरी है भाई, तुम ले लो। तो मैं बोला ठीक है, वैसे भी मुझे तीनों सीट एक साथ में चाहिए था। हाँ इसको मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। अरे वहाँ मेरी एकदम खतरनाक वाली सीट मिल गई है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा? फातिमा नहीं खुलेगा,
नहीं खुलेगा। अब क्या करेंगे, ये इतने मेरे को पीछे से आगे से सिर्फ इतना खुला, अब तुमको खड़े रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, अब तुमको खड़े रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो देखो फाते वाते सालिया भी यहाँ पर बैठ गए हैं आराम से लेकर। अरे माँ यहाँ पर देखो दोनों भाई बहन कितनी मस्ती कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेन भी चालू हो गई है। भाई मेरे को ना इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी वाली विंडो मिली है, यहाँ से आपको डायरेक्ट बाहर कूद सकते हैं। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا لمنقلبون। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमने सफ़र की दुआ पढ़ ली है, अल्लाह पाक हमारा सफ़र आसान पर आसान फरमाए। और फाजी बाबा देखो कितनी मस्ती आ रही है, तुम्हें कितनी मस्ती आ रही है, बैठ रहे गए। अरे तो बैठो ना मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए ही तो मैंने एक्स्ट्रा सीट बुक किया हो। कहाँ बैठने का है, गोदी में बैठने का है। बैठो बैठो सीट पर बैठो, बाहर बाहर देखो, बाहर देखो कितने अच्छे अच्छे नज़ारे ना। और क्या बोलते चलो बताइए, कुछ नहीं बस अच्छा लगा ट्रेन बैठ के। अच्छा मेरे गोदी में बैठने का उसको, पहले उसको ले लो तो। अरे भाई एक मिनट इसको पीछे डाल लेता हूँ और फातिमा को मैं गोदी में ले लेता हूँ। आराम बैठो, बस बच अच्छी सीट मिली ना गाइस, ये वाली ना और क्या बोलते हैं पैसा मिला ना इसी वजह से आप आराम आराम से दिखा सकते हैं। क्या बोले, हाँ सबको फोन लगा के अभी बोल देते हैं कि हम लोग बैठ गए। तो गाइस हम लोग ने ना नाश्ते में कुछ भी नहीं लिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं हो गया ऐसा। तो गाइस हम लोग ने नाश्ते में कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ जो अंडा हम लोग जो कल रात में लिए थे ना, अंडा उबाल के लिए हैं। शम्मा बोल रही थी कि अंडे की भुर्जी वगैरह जो भी बना के दे देती हूँ, लेकिन कैसा अच्छा नहीं लगता यार, अभी सुबह सुबह उठ के बेचारी नहीं देना हम लोग के लिए अंडा यह सब बनाएगी, तो इसलिए मैंने ही मना कर दिया कि मत बना। हम लोग ने अंडा उबाल के लिए सुबह माशाल्लाह वही नाश्ता कर लेंगे। वो कैसे हटाऊं बेटा, अब्बा की ट्रेन थोड़ी ना है। हाँ वो हटाऊं, वो कैसे हटाऊं मैं, चलो यहाँ पर बैठो तुम, यहाँ बैठेंगे ना, यहाँ बिठाऊं तुमको मैं, वो कैसे हटाऊं। मैंने बात किया जो पिछली ट्रेन में हम लोग आए थे ना, तो कैसे इधर इस बाजू का हिस्सा खुला हुआ था ना, तो मस्त यहाँ पर खड़े रह के बाहर के नज़ारे देखती थी, इसलिए बोलती है ये हटा दो ये हटा दो। वो चाउमीन है, अंडा खाएंगे, अंडा खाएंगे। फातिमा बोला, फातिमा वो बेफर वाला आया था ना, तो फातिमा बोलती बेफर चाहिए ना, बोला अब्बा ने ऑलरेडी आपके लिए देखो इतने सब सारे हाँ अंडा खाएंगे। चलो ठीक, हमारी मैडम को अंडा ये देखो, मैंने फातिमा के लिए अंडा निकाल लिया, फातिमा के सर पर अंडा तोड़ रहा था। अरे नहीं टूट रहा है फातिमा, तुम्हारे सर पर नहीं टूट रहा अंडा, अच्छा है ना। ठीक है फातिमा को दे दिया हूँ, मैं भी थोड़ा अंडा खा लेता हूँ क्योंकि पूरा खाई के नहीं ना वेस्ट किया गया। रमज़ान आने वाला है गाइस, तो आप लोगों को रमज़ान के ब्लॉग को देखने मिलेंगे इंशाल्लाह के। रमज़ान में हम लोग की मतलब कैसी डेली रूटीन, ट्रेन लाइफ। ट्रेन में जिंदगी गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फातिमा देखो कैसे सो रही है। ये देखो भाई फातिमा बस पलंग पे सो रही है। तो गाइस हम लोग ना मनमाड़ पहुँच गए हैं, हमारा बच्चे थोड़ा सी सुबह में जल्दी उठ गए थे ना, तो इसी वजह से दोनों जन यहाँ पर सो रहे हैं। और कैसा कल रात में ना मुझे ना मेरे अम्मी का मतलब मेरी सासू बाबा फ़ोन आया, वो हमारे जो मतलब सात नंबर में जो बड़े अम्मी रहते हैं ना, तो उनके बेटे का बच्चे का अकीक का वो क्या बोलते हैं खतना वगैरह कराने का था ना, तो मेरे जो ससुर अब्बा हैं वो आने वाले आने बोल रहे थे मुंबई, तो मैंने बोला मेरी 3 टिकट है भाई, तो चलिए अपन एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो मनमाड़ में आ गए हैं माशाल्लाह, बस अभी देखो अभी 6 नंबर में बोला था उनको आने के लिए, तो वो आ रहे हैं, उनको भी लेंगे, हम लोग साथ में जाएंगे इंशाल्लाह। मुंबई फ़ोन लगा रहे हैं, देखो कहाँ पहुँचे, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह पहले पकड़ो, सलाम वालेकुम, आ जाओ जाएगा वहाँ से ले लो अब्बा की। चलो तो भाई हमारे अब्बा भी आ चुके हैं, चलो चलो आराम से थोड़ा इधर खसका लो, लो रखो बैठ जाओ, दबाना मत छोकरी को, उठ जाएंगे। हाँ
इधर थोड़ा पीछे खसका दो, सो जा सो मेरा बच्चा। फातिमा नाना को देख के खुश हो गई एकदम। जा नाना की गोदी में जाओ, जा ले नाना के पास। अरे वाह माशाल्लाह, नाना को देखते सब एकदम दीवानी हो गए ना। अरे क्या बात है, वो पहली बात भी पीने के पास। हाँ हाँ ठीक है चलो, हम उसमें और चलो मेरा हाथ थोड़ा हाथ से। बहुत अच्छा हुआ तुम, क्या कर रहे हमने, चलो अच्छा तुम खुशी साले को बोलना पड़ता है दीवाने। बेटे जाहिर नहीं होते थे, बस दिखाते नहीं कभी कभार जाहिर करने का ना, ताकि सामने वाले के दिल में खुशी हो। हाँ तो हम लोग ना मनमार पहुँच गए हमारे यहाँ पर। देखो बच्चे लोग, बेटा तुम सो, तुम नहीं उठो, तुम उठते ना तो बहुत खतरनाक है हमारा उठना। हम लोगों ने लिए हैं चाय, यहाँ पर चाय पी रहे। क्या चाहिए तुमको भी पीने का है, तो ठंडा तो होने दो मेरे बच्चे, गरम गरम पियेंगे मुँह जल जाएगा तुम ठीक है। अरे अल्लाह, अरे उठ गए, नाना को देख रहा है ये नाना है। अरे माशाल्लाह नाना आ गए ना, पहचान लिया बराबर इसको चालक। अरे उसको आ रहा नाना को देख। मनमाट की चाय ना थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो इसी वजह से हम लोग ने लिया। बाकी जो ट्रेन में कॉफ़ी भड़कती है ना, वो इतनी खास नहीं लगती। फातिमा चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं जाऊँ फातिमा, अबू आ गए अंदर। ये देखो अबू आ गए। ऐसा बात करेंगे नॉर्मली, और वीडियो में बोलते दुआ किए ये किए। हर बार आती मुझे डर लगती क्या बात बात में कुछ ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा कुछ नहीं होता। ये पहले वीडियो रिकॉर्ड होती है, उसके बाद एडिटिंग पे जाती है, तब यूट्यूब पे जाती है, समझे। बहुत प्रोसेसिंग रहती है इसमें। दुआ की वाला कट कर देती हो सिर्फ, बस आप लोग मेरी अम्मी के लिए ऐसी दुआ करना, बस अच्छे से रखे। फाइनल लाइन पर बराबर ऐसा बोल लेना ठीक है। माशाल्लाह तो अच्छी बात है। क्या हुआ, क्या चीज़? हमारे लिए भी दुआ करना कि हम अच्छे से रहे सलामत और खैरियत से पहुँचे। आमीन सुम्मा। बेटा नाना की गोद इतनी पसंद आ रही तुमको, देखो मस्त बैठा हुआ है। हम लोग बैठे हैं अभी खाना खाने के लिए। खाने में है भुर्जी और रोटी। हाँ क्या फातिमा, अपन कहाँ पे पहुँचे? हाँ फातिमा कहाँ पहुँचे अपन? कचाला। ऐसा गरम भपका मार रहा है ना भाई, बाहर से मैं क्या बोलूँ, एकदम गरम गरम पानी, गरम पानी। फातिमा अच्छे से खड़ा, ये रो रही है ना इसी वजह से इसको मैं यहाँ पे ऐसा खड़ा रखा हूँ, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं ना तो सब आजू बाजू में सब देख रहे, तो इसी वजह से मेरे को ही सब बोल रहे हैं बच्चे क्यों रुला रहे हो, क्यों रुला रहे हो, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसा खड़े कर दिया। और क्या भपका मार रहा है गरम गरम, वहाँ मेरी फातिमा गरम आ रही है, कैसी आ रही है जरा बताओ, अच्छी आ रही है। अच्छा अपन कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे अपन? खड़ा हुआ बैठा, अब फिर खड़ा है, अबे मार बॉटल फेंक रहा, फिर खड़ा है, ये खड़ा हुआ, अब फिर बैठेगा, अभी अपने आप को देख के खुश हो रहा है। मज़ा आया, मज़ा आया, अब फिर खड़ा है, देखो ये हुआ, अपने आप को देख के खुश हो रहा है, फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा। दादर में तो हमारी ट्रेन ना गाइस पूरी की पूरी खाली हो गई है, पूरी सन्नाटा है भाई। मैं तो यहाँ पर था, हम लोग बता सकते ना बच्चे लोग देखो क्या है। अलहान को उन्होंने यहाँ पर सुला दिए है, और फातिमा को ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी ना, इसी वजह से कपड़ा वगैरह निकाल के यहाँ। ये वाली सीट मस्त यार, ऐसी सीट मिलती ना बहुत मज़ा आती थी, लेकिन वो वाली मिल गई अपनी। तो फाइनली गाइस हम लोग उतर चुके हैं अपना एंड स्टेशन CST। माशाल्लाह बहुत मस्त सफ़र रहा विद अब्बा, और क्या बोलते चलो
बहुत अच्छा लगा, फाइनली उतर गए ना। इतना है कि बहुत हालत हो गए। अरे हालत इस वजह से हुई क्योंकि ना गाइस इस बार ना इतनी गर्म भाप मार रही थी, मैं क्या ही बोलूँ। और गर्म भाप मारने के साथ साथ में ना पानी वगैरह सब ठंडा हो गया, सॉरी गर्म भाप उल्टा बोल दिया, गर्म भाप मारने की वजह से ना जो ठंडा पानी वगैरह सब रखा हुआ था ना सब गर्म गर्म हो गया। हम लोग पी रहे ना तो हल्लक में ना गर्म गर्म पन लग रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा सी भारी पड़ गया हम लोग को। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत पहुँच गए हैं। कुछ तो ऐसा था गाड़ी में गाइस, मेरे ख्याल से जितने भी बैग वगैरह लोग रखे रहेंगे ना तो उन लोग के बैग में ना एक आध कॉकरोच तो लोग लेके गए रहेंगे अपने घर पे। मेरे को तो हम यहाँ पे रुके हैं और फातिमा को देखो यहाँ पे बैठ बिठा दिया थोड़ी सी चाय पीने के लिए। सालिया देखो सामने बैठे वहाँ पर, क्या हुआ बेटा? 8 नंबर चल रहे ना अभी, तो फिर रो रहे क्यों है तुम? अरे तो जाएंगे तो रो रहे क्यों है तुम? अपने घर पे चल बच्चे चाय पिए। इसको पता नहीं 8 नंबर से कितना लगाव है, कुछ मालूम नहीं है 8 नंबर के बारे में, सिर्फ 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है? यहाँ पे आके छावली में खड़े रहने बहुत मज़ा आ रहा है ना, तो बस अब जाने का दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से। लेकिन फाटी बोल रही है 8 नंबर मिला और आराम से देखो क्या है। आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ। अरे भैया दो वेटिंग मैं ना नहीं। पब्लिक यहाँ पर देखो क्या भाग रही है ट्रेन के लिए, देखो ये भागे। तो सालिया लोग को मैंने पीछे यहाँ पर खड़ा कर दिया और अपन यहाँ से चलते हैं टिकट लेने के लिए। भाई इतनी गर्दी है यहाँ पर। तो भैया जी हमने लाइन में लग के टिकट ले लिए हैं। हम लोग की ना गोरेगांव की ना क्या बोलते हैं अपना ट्रेन खड़ी थी लेकिन मैं टिकट निकालने चले गया ना तो लेट हो गया, तो लोग चले गए भाई। अभी बिहार की और पनवेल की लगी हुई, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा अपने को। सोलिया तुम तो यहाँ पे एकदम मस्त बिस्तर डाल दिए है। हाँ क्या हालत खराब हो गई बच्चे चल चल गया दिख रही है देखो। हाँ मेरी बैठो बैठा बैठो अच्छे से लेंगे। तो दोस्तों हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, फाइनली गोरेगांव की ट्रेन 5:12 पर लग चुकी है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बस हम लोग ट्रेन आने वाली है भाई, बैठ के जाएंगे घर पे। पहले जाते साथ ही आप लोग आएंगे क्या? हाँ हाँ आगे आगे न, तो उतरने के टाइम फिर अपने को बहुत उधर पे चल के जाना पड़ेगा। हमारी स्लो मोशन देखो आ रहे हैं पीछे से, आ जाओ चलो चलो जाके ना कोना पकड़ लो अच्छा वाला। अपा उधर उधर कोने में बैठो, कोने में, हाँ कोने में जाओ चलो। हाँ 8 नंबर चलेंगे मेरी बच्ची, बस बैठ। हम लोग गोरेगांव स्टेशन पहुँच गए हैं, देखिए जस्ट अभी ट्रेन से उतरे और यहाँ पर हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग 8 नंबर पहुँच चुके हैं, पूरे पूरे 7:03 बाकी है। और फातिमा कहाँ गई? फातिमा इधर आओ। ए कहाँ जाने का था, कहाँ जाने का था? 8 नंबर लो 8 नंबर आ गए, अब बताओ क्या करने का तुमने? घर पे जाने। अब बोलो क्या करने का 8 नंबर आके बताओ। 8 नंबर आ गए, देखो ये देखो 8 नंबर बस डिपो में, क्या करने का बताओ यहाँ पर? घर पे जाने का। आठ नंबर का रट्टा लगाई बंदी ने, 8 नंबर लेकर आ गया, बोली मुझे घर पे जाने का। चले ठीक है कोई बात नहीं, घर पे लेके चलते हैं। अरे हाँ देखो सामने से कौन आ रहा है? दादा आ रहे थे, देखो दादा आ रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलाम वालेकुम, खैरियत से है? माशाल्लाह, अरे वाह मुलाकात हो गई भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दादा अपने पोतरे से तुम मिले नहीं यार? चलो साइकिल सामान देख लो, खड़ा कर दो लो। अरहान अस्सलाम वालेकुम, कैसे? फातिमा कौन है? कौन है? हाँ भाई एक नंबर। और अब्बा कैसे हो? मस्त माशाल्लाह, काम चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। अब्बा को आमिर भाई के ब्लॉग में देखा मैंने, बॉलीवुड में गए थे कुर्ता पजामा पहन के। अरे माशाल्लाह देख के शबनम और मैं इतना दिल खुश हो गया ना, अब्बा को देख क्या यंग बॉय लग रहा है। शादी में गए थे अब्बा? अब्बा बॉलीवुड में गए थे आमिर भाई के दोस्त के। तुम देखना ना आमिर भाई का ब्लॉग, घर पे चलते रहे लगाता हूँ, देखना अब्बा क्या हैंडसम दिख रहे भाई। यहाँ पे आते साथ सब्सक्राइब हो गए, देखो मैं और सालिया ही है, बाकी देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पर चाय पीने बैठे हैं, और क्या बोलते अब्बा? चाय पी रहे, पियो पियो पियो। हम लोग जाते घर पे। माशाल्लाह। तो फाइनली गाइस
हम लोग पहुँच चुके हैं, अब्बा ने महसूस होने नहीं दिया कि कोई घर में नहीं था। ये देखो, वाह वाह क्या बात है भाई, एकदम प्लेन, एकदम साफ सुथरा, माशाल्लाह। बस दरवाज़ा खुला है, रुको बंद कर देता एकदम। या अल्लाह अकबर, क्या क्या हुआ दीदी? हाँ अल्लाह रहम फरमाए। नहीं पलंग पे मजा नहीं आएगी, जो ज़मीन पे लेटने का मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। हाँ यहाँ पे अपन लेटेंगे थोड़ा। या अल्लाह हाँ, एक नंबर, अब पूरा फीलिंग में आया, बराबर मज़ा आ गया माशाल्लाह। रहान मज़ा आई? अरे वाह क्या बात है भाई माशाल्लाह। मिस कर रहा रहेगा अरहान, ये कोना जो पकड़ता है ना इसको पकड़ना मिस कर रहा रहेगा ना मेरा बच्चा। सही बोला ना मैंने, मिस कर रहे हैं। अपने घर में आके देखो क्या खुश हो गया है, टीवी देख रहा बोलता अबू अबू टीवी। अरे माशाल्लाह, सलाम करके आओ अंदर, सलाम अलैकुम, सलाम करके आओ अंदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे बच्ची? अरे वाह शालो भी आ चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा तो यही तो याद कर रही थी भाई एकदम। अरे बाहर जा रहा फालिका बंद करो। वालेकुम अस्सलाम, खैर खैरियत से हैं? चलो माशाल्लाह, हम लोग फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। पानी चाहिए मेरे बच्ची को? रुको बेटा अभी देता हूँ मैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं गाइस। अरे वो हमारे, रुक जाओ स्वामी, क्या बोल रहे हैं? बहुत थक गई हूँ फ्रेंड लोग, आपने लग गए मैं। बैठ जाओ तुम भी, बैठो आराम से, 5-10 मिनट आराम करो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है घर में। हमारे बच्चों तो मस्त अपना पुराना। फातिमा कैसा लग रहा है अब घर में आके? तो चलिए गाइस वीडियो इधर ही, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार से बड़ा ऐसे ही बनाए रखिए गाइस।